भाई लोग, बॉलीवुड की एक और नई मूवी, नहीं खैर ये भी तो एक रीमेक ही है। खैर तो बॉलीवुड का एक और नई रीमेक मूवी जिसका नाम है शहजादा, स्टारिंग लॉकडाउन खुलने के तुरंत ही बाद जिसने 180 करोड़ का ब्लॉकबस्टर रीमेक दिया था, वो कार्तिक आर्यन और मेरी हमारी कृति सेनन। तो शहजादा मूवी का ट्रेलर कल लॉन्च हुआ, तो इस वीडियो में हम शहजादा मूवी के ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वाइल्ड वाइन SCTV। तो ये मूवी काफी जल्दी यानी कि 10 फरवरी को ही रिलीज होने वाली है और ये एक तेलुगु फिल्म का रीमेक है जिसका नाम था अला वेंकट पुरमालू। माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो इस मूवी में लीड रोल में थे हमारे सबके चाहते स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन। तो अब अगर हम इसके ट्रेलर की बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि देखो ये ट्रेलर हमें ये बताता है कि कार्तिक आर्यन एक छोटे घर का लड़का है जिसका जिंदगी में कोई भी एम नहीं है, बस सुबह उठो, 6 अंडे खाओ, बाप से गालियां खाओ और सो जाओ, भाई बस इसका डेली रूटीन है। वैसे अंडों की बात छोड़े तो बाकी रूटीन काफी रिलेटेबल लग रहा है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। खैर जाने दो। तो आगे ये होता है कि परेश रावल जो कि इस मूवी में हमें कार्तिक आर्यन के पिताजी दिखाए गए, तो एक दिन कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि परेश रावल जी उसके असली पिताजी नहीं है बल्कि वो किसी एक बड़े घर का वारिसदार है, वो एक शहजादा है। तो इसी सभी स्टोरी को एक स्वैग और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है। और अगर आपने ओरिजिनल मूवी देखी है तो अब आपको लगता होगा कि मैं आपके लिए ये पूरी मूवी स्पॉइल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपको ये बात पता चलेगी कि ट्रेलर में ही ये सभी चीज़ें दिखाई गई है। तो ये जो ट्रेलर जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनसे मेरा एक सवाल है कि बाकी जो दो ट्विस्ट बचे हैं वो भी क्यों नहीं दिखाए ट्रेलर में, पूरी मूवी यहीं पे ही दिखाई देते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर अगर तुमने ओरिजिनल मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन ने अपने पूरे स्वैग से, अपने पूरे स्टाइल से इस मूवी को बहुत ही कैरी करा था। और मेरी बात मानो, कार्तिक आर्यन भी इस मूवी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ साथ ही काफ़ी सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, जैसे कि परेश रावल हो, राजपाल यादव हो या फिर रोनित रॉय हो। खैर ये सभी मूवी में काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और जिसके चलते ओरिजिनल मूवी में जो कॉमेडी का टचअप दिया था वो हम इस मूवी से भी उतना ही अच्छा हो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली हमें इस मूवी में भी कॉमेडी का वो टच देखने को मिल जाए। और फिर इसके बाद इस मूवी में सचिन खेड़ेकर जी भी है जो कि ओरिजिनल मूवी में भी थे, तो देखते हैं मूवी कैसी होगी। और इसी के साथ साथ इस मूवी में कृति सेनन भी तो है। सिंपिंग को साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये जो ओरिजिनल मूवी थी अल्लू अर्जुन वाली, ये मैंने देखी थी, तो ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में इन दोनों मूवीज में कंपैरिजन चालू हो जाता है। और अगर आपने भी ये ओरिजिनल मूवी देखी है तो आपको भी मेरे जैसा फील होता है क्या, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इस ट्रेलर के जो कई सारे शॉट्स है वो ओरिजिनल मूवी से कई साथ मेल जुल जाते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि ये शॉट उससे कॉपीड है। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। खैर तो भले ही इसका ट्रेलर हमें कई सारी चीज़ें रिवील कर देता हो, इसके प्लॉट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही हमें डिटेल्स दे रहा हो, फिर भी इस मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस तो है और मैं तो ये मूवी देखने जा रहा हूँ, चाहे उसका रीज़न कुछ और ही हो। लेकिन आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ साथ क्या आपने ओरिजिनल मूवी देखी है, और अगर देखिए तो आपको भी क्या सेम मेरी जैसी चीज़ फील हुई वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके साथ साथ अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ हमारे शाहरुख खान की नई मूवी पठान जिसका भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है जिसकी वीडियो तुम यहाँ पे देख सकते हो।
तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZV।